भाई चंडाल चौकली के सामी सब लोग वीरान हो जाएंगे। चंडाल चौकली के सामी सब लोग वीरान हो जाएंगे। कुछ मत ना नंगी करो सब जय भान हो जाएंगे। चंडाल चौकली के सामी सब लोग वीरान हो जाएंगे। चंडाल चौकली के सामी सब लोग वीरान हो जाएंगे। सत्यानाश पति अरे मेरे चुनियर दंगी देखेगा। करते सत्यानाश पति अरे चुनियर दंगी देखेगा। धरा धरा पाप का खाली से धरा धरा पाप का खाली से पाप चुताने हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के सामी सब लोग वीराने हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के सामी सब लोग वीरान हो जाते। से पहले बेटी नंगी मन करता बाप नहीं देखा। आज से पहले बेटी नंगी करता बाप नहीं देखा। भाई प्यारा देवर भीम सैन मन कते चुपचाप नहीं देखा। नाकुल और सहदेव जिन्होंने मेरा अपने आप नहीं देखा। नाकुल और सहदेव लेकिन आज उस दानियों के दानी महादानी करण की नाड़ भी नीचे को झुकी है। कहने लगी कि क्या आज इस भरी सभा के अंदर वो क्षत्रिय जाति का शेर जिसे दानियों का दानी महादानी करण कहा गया, क्या आज वो भी एक अबला नारी की इज्जत उतरते हुए इस सभा में देखना चाहता है। आइए तीसरी बात के माध्यम से कैसे करण बलि को कह दिया भला। सही क्या फिर सारी सभा अंधी से अंधे का
आखिर में न्यू कहना पड़ गया थारी सबकी आदत गलती से आखिर में न्यू कहना पड़ गया सबकी आदत गलती से सभा के अंदर एक सवाल पूछ लिया कि अगर किसी मजबूरी के कारण मैंने पांच पांच पतियों के साथ में शादी कर ली अच्छा? जिसकी बदौलत आज मुझे इस भरी सभा में रंडी वैसे ना जाने कैसे कैसे नामों से पुकारा जा रहा है क्या? लेकिन मैं भरी सभा से पूछना चाहूंगी कि अगर एक मर्द अपनी पतिव्रता स्त्री को छोड़ करके किसी गैर के साथ में कोई संबंध बनाए तो समाज उसे कैसा दर्जा देगा। सजनों किसी के मुख से कोई सवाल नहीं कोई जवाब नहीं। चौथी बात के माध्यम से पूरी रागणी का निचोड़ करते हुए कवि ने क्या बना दिया भला दुर्योधन तने राने समझ मेरे तो पाचो पति मरे बैठे दुर्योधन तने राने समझ मेरे